We will be discussing few of the major causes which trigger and which instigated, not only instigated, rather enriched the Renaissance. Though there are a number of factors too, बहुत सारे और factors भी थे, ठीक है? लेकिन हम कुछ main factors देखते हैं. एक तो मैंने आपको क्या बताया था, what revival of Greek literature. आपको Greek literature की revival क्यों हुई, उसकी भी reason है दो. पहले हम पहले देखेंगे और फिर हम दूसरी रीजन देखेंगे. द फर्स्ट रीजन वॉज फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. इन 1453 15वीं सदी में हुआ क्या है जनाब? कॉन्स्टेंटिनोपल फेल अंडर द आर्म इन द आर्म्स ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, आपको याद होगा बड़ी जंगी हुई है, सल्तनत उस्मानिया की बन रही थी, उन सब के नतीजे में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल जो है या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, इट वॉज वन बाय द मुस्लिम्स. मुसलमानों ने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है? कब्जा क्या कर लिया, उसको फतह कर लिया. तो नतीजा क्या हुआ कि जनाब वहाँ पे जितने भी जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर थे, फ्लैट टू यूरोप, सारे के सारे भाग के किधर आ गए? यूरोप. हाँ, अब एक स्कॉलर भाग रहा है तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? किताबें, नंबर ऑफ बुक्स, द प्लेथोरा ऑफ नॉलेज एंड बुक्स टेकन टू टूवर्ड्स द यूरोप में दे गॉट अ काइंड ऑफ यू कैन से a halt or a patronage in Italy. यूरोप में इटली ने उन्हें बहुत अच्छे से रिसीव किया. क्यों? इटली में जो उस वक्त आप कहें बादशाही खानदान था, शाही खानदान जो था, मेडिशा, तो वो जो लोग थे ना, वो बड़ा बड़ा इल्म के बड़े दिलदादा थे. और इटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ हब ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट एंड सिविलाइजेशन. सो दे वेलकम देम वेरी मच. उन्होंने इनको बड़ा अच्छे से वेलकम किया, रिसीव किया. तो दे टुक विद देम द ग्रीक लिटरेचर, द लिटरेचर ऑफ एंटीक्विटी. जो पुराना हमारे पास हेलेनिक लिटरेचर है, जो ग्रीक लिटरेचर है, वो सारा का सारा, सिर्फ ग्रीक लिटरेचर से मुराद ये नहीं कि वो बस कुछ किताबें लेकर थे, इट मीन्स दैट ग्रीक आइडियोलॉजी फ्लेट देयर. उनके साथ साथ ग्रीक आइडियोलॉजी भी गई है, या जो ग्रीक टीचिंग्स हैं वो सारी, या उनका एक पर्टिकुलर जो माइथोलॉजिकल एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसी से जुड़ी है उनकी आइडियोलॉजी, उसी से जुड़ी है उनकी फिलॉसफी भी. वो सब का सब इट ट्रैवल टू यूरोप. वो सारा का सारा कहाँ पहुँच गया? यूरोप पहुँच गया. यूरोप में उनको कहाँ वेलकम हुआ? इटली में. ठीक है, सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर कॉजेज विच ट्रिगर्ड रेनेसेंस. क्यों? व्हाई इट वाज सो? बिकॉज वी यस्टरडे डिस्कस दैट बिफोर रेनेसेंस द यूरोप और मोस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलरली एज वी आर कंसर्न्ड विद इंग्लैंड, it was under the shackles of feudalism of the church. दो चीजों की बोर्ड जो है वो हमें बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, या हमारे पास जो मिडीवल धारा है कि ये जो मिडीवल सोशल स्ट्रक्चर है उसमें जो है सबसे टॉप पे हमें चर्च की अथॉरिटी नजर आ रही है. अदरवाइज अगर देखें ऑन द वे डाउन, इट वॉज एक्चुअली द अथॉरिटी ऑफ गॉड, या गॉड के नेम पर, या गॉड की, तो फिर द ह्यूमन स्पिरिट वॉज एट द लो एंड. ह्यूमन स्पिरिट जो है या ह्यूमन वर्क जो है वो लो एंड पर है. बट वेन वी सी द ग्रीक लिटरेचर बिकॉज दे वर नॉट क्रिश्चियंस, एक तो ग्रीक क्रिश्चियंस नहीं थे, वो पेगन्स थे. ठीक है, ग्रीक एंटीक्विटी का जितना भी लिटरेचर है वो पेगनिज्म पर है, देवी देवताओं पर है, या उस तरह से वो उनकी माइथोलॉजी जो है वो उनका एक तरीका है जिससे वो कायनात पर गौर फिक्र करते हैं. तो इट हैड टोटल डिफरेंट सेट ऑफ आइडियोलॉजीज, डिफरेंट सेट ऑफ फिलॉसफीज विच एम्फसाइज ह्यूमन एज अ सेंटर. ह्यूमनिज्म की जो स्पिरिट है वो हमें ग्रीक लिटरेचर से मिलती है. ठीक है, तो इसीलिए ये लिटरेचर जब आया एंड पीपल वेरी वेरी मच दे स्टार्टेड अक्वेंटेंस विद दैट लिटरेचर. उन्होंने वो पढ़ा, उससे अक्वेंटेंस से दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड, बहुत इन्फ्लुएंस भी हुए. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो सेक्युलरिज्म की जीत थी वो हमें ग्रीक लिटरेचर से निकल कर यूरोप के सोसाइटी में, यूरोप के माशरे में पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही.
देखिए ऐसे ही होता है ना, वॉशरूम में चेंज इधर आता है क्योंकि आप बाहर से कोई आइडियोलॉजी लेते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप सिंपली इधर से भी लेते हैं, अपनी सोसाइटी से देख लें। अब चूंकि हमारे पास मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो बहुत पुरानी बात हो गई, समझे सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे, तो अगर कहीं से कोई आइडियोलॉजी जनरेट होती है तो किताब नहीं होती है, कोई कोई भी नई बात जनरेट होती है तो इट रन फास्टर, फौरन से पहुँच जाती। आज हम भी बैठ के फेमिनिज्म का नारा लगाते हैं, हालांकि ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई, यूरोप में जहाँ पे स्टार्ट हुई, डीकंस्ट्रक्शन की मूवमेंट स्टार्ट हुई, लिबरलिज्म की स्टार्ट नहीं हुई, बट इट आवर सोसाइटी इज आल्सो गॉट अफेक्टेड बाय बिकॉज द आइडियाज ट्रैवल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ना 15th सेंचुरी या 14th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट नहीं थी आइडियाज की, कन्फाइनमेंट थी, जियोग्राफिकल कन्फाइनमेंट, या आपका एक पर्टिकुलर लोकेल पे एक पर्टिकुलर लिटरेचर लिखा जा रहा है, अंतिम अंदर दैट लिटरेचर गॉट समवेयर, देन यू विल बी एबल टू रीड दैट एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द आइडियोलॉजी एंड देन यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस बाय दैट। सो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज वन ऑफ द कॉज व्हिच मेड श्योर दैट द ग्रीक आइडियोलॉजी गॉट देयर वेयर इन यूरोप। समझ आ गई, चले आगे। नेक्स्ट दूसरा, ना सिर्फ ग्रीक लिटरेचर रिवाइव हुआ, लैटिन एंटीक लिटरेचर भी रिवाइव, पुराना लैटिन लिटरेचर, पुराना लैटिन लिटरेचर इटसेल्फ ग्रीक लिटरेचर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, ठीक, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन का जब डाउनफॉल हुआ तो इट वॉज रिप्लेस और ओवरटेकन बाय द लैटिन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, सल्तनत रोमानिया खत्म हो गया। अच्छा खैर, ये कैसे हुआ, टू मैन वर देयर, बोकैशियो एंड पेट्रा, कल हमने बात की थी। तो बोकैशियो एंड पेट्रा दे वर डिगिंग सम इन इन अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी एंड दे वर फाइंडिंग सम बुक एंड बाय चांस दे गॉट अ होल्ड, दे गॉट अ होल्ड ऑन सम ऑफ द वेरी ओल्ड लिटरेचर ऑफ इटली और द रोमन लिटरेचर। इनको बाय चांस पुरानी किसी लाइब्रेरी में पुराना एंटीक रोमन लिटरेचर मिला, तो दे टुक इट आउट, they read it and they revived that still, उन्होंने उसको पुराने लिटरेचर को भी रिवाइव करने की कोशिश की। तो हमें दो इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं रेनेसेंस के लिटरेचर पे और न सिर्फ लिटरेचर पे बट आइडियोलॉजी पे और उनकी फिलोसफी पे। अब वो कहाँ से मिलते हैं हमें, ग्रीक से और लैटिन। किस चीज़ का रिवाइवल हो रहा है, ग्रीक आइडियोलॉजी का, ग्रीक फिलोसफी का, थ्रू वॉट, थ्रू ग्रीक लिटरेचर। और लिटरेचर आया कैसे यूरोप के पास, किसी भी कोई भी एक मूवमेंट है, कोई भी एक फिनोमेना है, ठीक है, कोई भी एक मजहर है, उसकी इंटेंसिटी तब पड़ती है जब देर आर मल्टीपल इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन फेवर ऑफ दैट फिनोमेना, ठीक है। जैसे आपका कल से ही मूड था सुबह छुट्टी करने का, यही हो रहा बड़ी बहुत सारी चीजें हो रही थी जो रेनेसांस को ट्रिगर तो पहले हो चुका था, उसको मजीद एनरिच कर रही थी। One was the invention of printing press. कौन थे जी, गटनबर्ग, कहाँ, जर्मनी। एक किताब है उसमें बहुत सारी आइडियोलॉजी लिखी है, बहुत सारी नई बातें लिखी है, लेकिन जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस से पहले, जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं इन्वेंट हुई थी, किताब बहुत लिमिटेड एडिशंस में छापी जाती थी, लिमिटेड नंबर्स में छापी जाती थी। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस द बुक हैड बीन द लग्जरी ऑफ फ्यू पीपल, कुछ लोग जो है उसको एंजॉय करते थे, लर्नड लोग, इनके पास बड़ा पैसा होता है, यहाँ पर जो जाके अकेडमिक के स्टूडेंट जो साइकिल जिसमें जा सकते हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई, इट वॉज अ काइंड ऑफ अ वे टू गेट अ चीपर बुक। अब एक बुक पहले तो हाथ से लिख जा रही होती थी ना सर,
अब वो छप रही है, उसकी 100 कॉपीज छप सकती है, उसकी कॉस्ट कम हो गई है। तो नाउ अ कॉमन मैन हैड एक्सेस टू द बुक्स। एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी, उसका एक्सेस भी कहाँ है? बुक तक, इंफॉर्मेशन तक, आइडियोलॉजी तक। तो इट हेल्प टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी क्विकली। अब जो राइटर्स लिख रहे हैं वो आम आदमी तक पहुंच जाते हैं, वो सिर्फ लिटरेरी सर्कल्स में ही बंद नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। एक वाहिद मीडिया क्या है आपके पास? प्रिंट मीडिया, ठीक है, बुक्स के थ्रू। अभी तक भी जर्नल्स का, अखबारों तक कभी रिवाज नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ भी राइटर्स लिख रहे हैं वो बजाय ये कि वो कन्फाइन हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द प्रेस, व्हाट हैपेंड, मोर बुक्स यूज्ड टू बी प्रिंटेड एंड मोर बुक्स यूज्ड टू बी गेट होल्ड बाय द रीडर्स। अब रीडरशिप जो है बढ़ रही है, आम लोग जो है, अब देखिए ना भाई, बस पहले कौन पढ़ता था? एक तो वो थी ही लाइब्रेरी में, लेटर ऑन ट्रांसलेट कितनी कॉपीज हुई होंगी, वो अकेडमिया के पास होगी या फिर क्लर्जी पीपल्स के पास होगी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस बनी तो अब उसकी मल्टीपल कॉपी छपना शुरू हुई। नाउ अ कॉमन मैन लाइक यू एंड मी वुड हैव अ होल्ड, अब हमारा होल्ड भी हो सकता है। तो व्हाट हैपेंड, अ काइंड ऑफ एनलाइटमेंट अकम, अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्लेस अकम विद द कॉमन। आम आदमी आपसे पहले कह रहे शोर बड़ा, नाउ दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दोस आइडिया व्हिच हैड बीन हेल्ड सो चेरिशली फॉर सो लॉन्ग। अभी तक जो बातें बस हम बड़ों से सुनते आ रहे थे, बस सुनते आ रहे थे, लेकिन जब हमने एक किताब पढ़ी तो हमने कहा नहीं, इसमें तो ऐसे लिखा है। तो फिर पीपल स्टार्टेड क्वेश्चन, समझ आए? तो एक चीज क्या हुई है जनाब, रिवाइवल ऑफ ग्रीक लिटरेचर। उसके बाद क्या हुआ है जनाब, इन्वेंशन ऑफ प्रेस, ठीक है जी। और फिर साथ साथ और क्या हो रहा है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, किसने किया? ज्योग्राफी में एक बड़ा, आप कह लें क्या कह सकते हैं, एक झटका आपके कोलंबस साहब निकले थे इंडिया ढूंढने, ठीक। और वो जिस मैप के थ्रू गए थे, उनके मैप के लिहाज से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंडिया, बट उन्होंने क्या ढूंढा, इसीलिए उनको रेड इंडीज कहते हैं। उनके जो नेटिव अमेरिकन है ना, नेटिव जो पहले होते थे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हुई है कब, 1492। इसके अलावा और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? रेनेसेंस सिर्फ आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं है, ठीक है, रेनेसेंस ने सिर्फ फिलॉसफी या माइंडसेट ही चेंज नहीं की। हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ डिस्कवरीज पर आल्सो ग्रोथ, और ओवरऑल फर्स्ट वे इंग्लैंड ने एज अ नेवल पावर जो है उभरे, यानी कि उन्होंने शिप्स बनाई कि नेवी जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग। तो जब ये अच्छी नेवी थी, खासतौर पर जो इनके सी रूट्स थे, नए सी रूट्स डिस्कवर हुए, जैसे कि अमेरिका डिस्कवर हुआ 1492 में, एंड पीपल स्टार्टेड डिस्कवरिंग सो मेनी रूट्स। Meanwhile, what they did, they plundered. फिर रास्ते में जो भी, ज़ाहिर है जब आप नए नए एडवेंचर्स करते हैं तो आप खासतौर पर जो पायरेट्स होते हैं वो प्लंडरिंग मांगते हैं, प्लंडरिंग मतलब लूट रहे। तो ये लूट का पैसा कहाँ आया है सारा? ब्रिटेन के पास। अमेरिका वॉज द फॉर्मर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो समझे आप, एक तरह की, अगर चाहे ये ऑफिशियल कॉलोनाइजेशन नहीं थी, क्योंकि कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया, फिर ब्रिटिश के पायरेट्स ने ये पूरी, जो ब्रिटिश के जो पायरेट्स थे या उस वहाँ के लोकल के जो पायरेट थे, उन्होंने बहुत प्लंडरिंग की और बड़ा पैसा भी आया। तो ये पैसा कहाँ पंप हुआ? ये सारा ब्रिटिश में पंप, ठीक है। तो थोड़ा सा उन्हें क्या एज मिला, एक इकोनॉमिक थोड़ी सी बूस्ट जो है वो हमें मिल गई। फिर हमने देखा 19th century में आके, 14 की बात करें, 19th century में प्रॉपर कॉलोनाइजेशन जब स्टार्ट हुई है, 18th century में स्टार्ट हो गई थी एंड। तो 18th century की कॉलोनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा जो है वो ब्रिटिश की पाइपलाइन में जो है वो पंपिंग किया, ठीक हो गया। तो जब किसी भी रियासत के पास, किसी भी मुल्क के पास प्लंडरिंग का पैसा, ये बाहर से पैसा आता है, तो वो क्या होती जाती है, स्टेबल होती जाती है एंड रिच होती जाती है, ठीक है। नाउ यू कुड यूज दैट बजट इन साइंस, यू कुड यूज दैट बजट इन कैप्चरिंग द अदर टेरिटरीज, ठीक है। तो ओवरऑल आप क्या होते जाते हैं, स्टेबल होते।
इसके अलावा एक और चीज जो हम देखते हैं वो साइंटिफिक डिस्कवरीज देखते हैं। ज्योग्राफी में यहाँ डिस्कवरीज मिल रही है, फिर हम क्या देख रहे हैं बेटा? साइंटिफिक डिस्कवरी। As I already told you that scientific discoveries were direct, कुछ तो जो थी वो direct किससे contrast में थी? Gospel से। हमने कल Galileo की example सुनी थी। तो जब ये multiple scientific discoveries हो रही थी तो overall एक तो human intellectual input भी था और इसके अलावा people started having doubt about the scriptures, holy scriptures. Holy scriptures पर doubt किया जाने लगा। ये चर्च जो अब तक आपको बताता था उस पर क्वेश्चन जो है वो अराइज होना शुरू। इन्होंने एक राह पे की रैशनलिज्म की तरफ, किसकी तरफ? रैशनलिज्म की तरफ या एम्पिरिसिज्म की तरफ। ये क्या है रैशनलिज्म या एम्पिरिसिज्म? ये है कि हम वो बातें एक्सेप्ट करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, या पॉजिटिविज्म हम जिसको कहते हैं। सो दोज फैक्ट्स आर एक्सेप्टेबल व्हिच वी कुड परसीव थ्रू आवर परसेप्शन। माय परसेप्शन परसेप्शन भी आपके पास वो है जैसे हर चीज को आप पहले परखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको टेस्टिफाई करते हैं। यू डू नॉट फॉलो थिंग्स एज इट इज। साइंटिफिक मेथड यही है ना, आपने पहले से प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दोगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते तो वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। बट इट इज नॉट द केस विद द रिलीजन। रिलीजन टॉक्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। रिलीजन हमेशा कहता है मैंने कह दिया, यू हैव टू फॉलो व्हेदर यू थिंक इट इज राइट और रॉन्ग और व्हेदर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अ काइंड ऑफ शिफ्ट इन द थिंकिंग द माइंडसेट ऑफ द कॉमन पीपल आर आल्सो सेट इन। बात समझ में या नहीं है? दोबारा एक साइंटिफिक जीन आने से सिंपली क्या हुआ कि लोगों ने ब्लाइंड फॉलोइंग छोड़ दी, बल्कि वो ज्यादातर किस पर डिपेंड करते हैं? अपने सेंसेस पर या चीजों की रैशनैलिटी पर। अब समझ आ गया पहले क्या बोला? फारसी थी यही बोला था, बल्कि बहुत लंबा चौड़ा बोला था। ये तो मैंने एक बार बताई थी, जिसका मतलब मुझे शॉर्ट लेक्चर्स देने चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये समझ आ गया बेटा? चलें जी, इसके बाद अगर हम अच्छा ये अब कुछ तो हो रहा है सोशल डोमेन। अब सोसाइटी की एक डोमेन है रिलीजन, उसमें हम देख रहे हैं। छोड़ें इसका नहीं देख लेना यार, घर पर नहीं क्या है रिलीजन किस पर? चलो ठीक है, हम रिलीजन ठीक कर दो। क्या मचाल हमारे if you could recall the 14th century, the age of church. Okay, we saw that church was very much corrupt and they were looting people and they were like making use of, rather they were exploiting the religion, the common people in the name of religion. Why? Because people did not know that what religion is. So who put them in the religion yet? तो फिर वो क्या करते थे? दे डिपेंडेड ऑन द मीडियोक्रेसी। और मीडियोक्रेस कौन थे? चर्च एंड जीसस फोक्स एंड मॉन्क। व्हाट हैपेंड देन? वाइकलिफ ने क्या किया? ट्रांसलेट कर दिया बाइबल, एक तो बड़ा मसला उसने क्रिएट कर दिया। ठीक, फिर एक मूवमेंट जो चली लोलार्डी की मूवमेंट, पढ़ाई में मैंने याद आपसे। ठीक है, तो वी सॉ दैट अ काइंड ऑफ रिबेलियन अगेन द चर्च वाज ऑलरेडी बीन सोन एट द टाइम ऑफ चौसर। चौसर के दौर में वो एक जो बगावत कभी था वो हो चुके थे लोग ना। ठीक, लेकिन क्या हुआ? फॉर अ टाइम बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मोनार्की एंड चर्च टुगेदर दे वर्क टुगेदर एंड दे क्रश्ड। उन्होंने फॉर अ टाइम बी उसको दबा दिया, उस मूवमेंट को उसको क्रश कर दिया बाय फोर्स। बट इट डिड नॉट डाई आउट, इट री इमर्ज इन द 16वीं सदी में। हालात चर्च के इतने खराब हो गए कि ये एज अ मूवमेंट, एज अ पर्टिकुलर मूवमेंट, अ काइंड ऑफ नेशन वाइड मूवमेंट, नॉट ओनली नेशन वाइड, आई वुड से इवन इट वाज अ मूवमेंट व्हिच वाज स्प्रेडेड थ्रू मल्टीपल नेशन। सिर्फ इंग्लैंड में नहीं हुआ, स्पेन में, जिना स्कॉटलैंड में, कई इवन जर्मनी में और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ इंफॉर्मेशन की जीव जो है पूरे
माइट के साथ इन्होंने स्ट्राइक किया किसको, चर्च को या रिलीजन को, इतना ज्यादा कि इन्होंने नया फिरका बना दिया क्रिश्चियनिटी में, दैट वाज कॉल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, वो फिर 17th सेंचुरी में ये इन्हें प्रॉपर नाम मिला प्योरिटन्स या प्रोटेस्टेंटिज्म, लेकिन ये एक रिफॉर्मेशन की जील जो है वो सेटिंग रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब टू फॉर्म अगेन, टू प्योरिफाई व्हिच हैड और व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एक चीज ऑलरेडी से मौजूद है, चर्च करप्ट हो गई, उसे रिफॉर्म करना, उसे प्योरिफाई करना। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन मतलब रिहैबिलिटेशन यू कैन से। एंड व्हाट दिस हैपेंड, करप्शन ऑफ चर्च, ये अभी मैंने आपको बताया, जॉन वाइक्लिफ हैं, इसके अलावा जॉन हस हैं इन बोहीमिया इन अर्ली 15th सेंचुरी, इसके साथ ही मार्टिन लूथर किंग इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। तो इन लोगों ने बड़े चर्चेस पे अक्यूजेशन लगाई, खासतौर पे इंडल्जेंस के जो लॉज थे, मैंने आपको बताया था ना, ये पार्डन सेल करते थे और लोगों को खूब लूटते थे, अमीर लोगों को तो पेच दे देते माफियाँ और गरीब बेचारे जो है वो रोते रह जाते थे। तो इन्होंने हर तरह की चीज़ों पर जो है इन लोगों ने आवाज़ उठाई और जो रिफॉर्मेशन की ओवरऑल मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो चली। सो वी कुड स्टॉप इट, रिफॉर्मेशन दो स्टार्टेड एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट इट डिड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ओनली द स्फीयर ऑफ रिलीजन, ये महज रिलीजन तक रही नहीं, ये बाद में पॉलिटिकल हो। ठीक है, कैसे आपको बताते हैं, 16th सेंचुरी में एलिजबेथ के जो अब्बा थे हेनरी 7, आई गेस सुने गौर से मेरी बात, हेनरी 7 ने करनी थी दूसरी शादी। हेनरी 7 इंग्लैंड जो था वो कैथोलिक चर्च के अंडर था, रिफॉर्मेशन या प्योरिटनिज्म जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं जान पकड़ चुकी थी, और एक कंटिन्यूस टसल जो थी वो कैथोलिक्स और प्योरिटन्स के दरमियान चली रही थी, पार्लियामेंट्स में भी प्योरिटन्स भी हैं तो कैथोलिक्स भी हैं, तो वहाँ पे भी रस्साकशी जो है वो एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन चल रही। इन काम में क्या हुआ, कैथोलिक जो कि हेड चर्च है किसका, इंग्लैंड का, और जाहिर है आपका जो किंग है वो भी कैथोलिक चर्च के ही अंडर, उसने करनी थी दूसरी शादी। अब उसको कहाँ से चाहिए होती है सेंक्शन, चर्च से। उसकी जो पहली बीवी थी वो स्पेन के किंग की बहन थी, स्पेन उस जमाने में एक बहुत बड़ी ताकत था। ठीक, पोप ने कहा इसको दूसरी शादी देने का की इजाज़त देने का मतलब है कि डायरेक्ट स्पेन से पंगा लेना, और पोप उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो ही डिनाइड, चर्च ने हेनरी 7 को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी। अब हेनरी 7 वो कोई बहुत रिलीजियस नहीं है, ना ही उसे कोई बहुत मोहब्बत है क्रिश्चियनिटी से, या वो समझता है कि कैथोलिक चर्च बहुत करप्ट है तो हमें इसे ठीक करना, बेसिकली ही हैड हिज ओन इंटरेस्ट, उसके अपने इंटरेस्ट थे। जब वो इंटरेस्ट सेफ गार्ड नहीं कर पाया चर्च, तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो चर्च एंड अथॉरिटी थी उसको निगेट कर दिया, वो आप कह लें कैथोलिक चर्च से बाहर निकल आया, और फिर जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर या प्रोटेस्टेंटिज्म के अंडर जो है वो उसने सेकंड मैरिज की। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंटिज्म को वहाँ से बड़ा ही क्या मिला, एक बूस्ट मिला, किंग उनकी तरफ है, तो ये तो एक पॉलिटिकली एक विन था उनके लिए। ठीक, तो ये जो टसल कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटिज्म, यहाँ प्रोटेस्टेंटिज्म से मुराद रिफॉर्मेशन, ये मूवमेंट रिफॉर्मेशन है। ठीक है, और सर्टेन टाइम प्रोटेस्टेंटिज्म भी कहलाती है, क्यों, क्योंकि लेटर ऑन इनका पूरा एक फिरका जो आप कह लें एक पूरा सेक्ट बन गया, और जो कि प्रोटेस्टेंट सेक्ट कहलाया। ठीक है, और फिर पर्टिकुलरली जो प्रोटेस्टेंट्स की मूवमेंट थी, क्यों हम इन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि जो रिफॉर्मर्स इंग्लैंड में थे ना वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए, या फिर लेटर ऑन प्योरिटन्स कहलाए, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, सिर्फ इन अ कोर्स ऑफ टाइम इनके नाम बदलते रहे। 17th सेंचुरी में आके ये प्योरिटन्स कहलाए बिकॉज दे वर टू प्योर, बिलीव दैट वी आर टू प्योर। ठीक है, अब आप देखें क्या हुआ, अब वो चर्च कहलाए, तो हुआ क्या कि जो कोर्ट था उसमें प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्टेंट्स की जो ताकत थी वो बढ़ती चली गई, और कैथोलिक्स जो थे वो थोड़ा दबते चले गए। ठीक है, जाहिर है क्योंकि किंग उनके साइड था। अब जब हेनरी 7 चला गया तो फिर मैरी आई, ब्लडी मैरी, उसने सक्सीड किया थ्रोन, शी वॉज अ श्योर कैथोलिक, वो कैथोलिक थी पक्की, अपनी माँ की तरफ से पहली बीवी की बेटी थी उसकी। ठीक है, तो उसने कैथोलिक रीस्टोर करने की कोशिश की, और क्वाइट फोर्सफुली, उसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, उसने
चुन चुन के प्रोटेस्टेंट्स मारे। ठीक, बहरहाल उसका रेन कोई इतना ही ख़राब था और इतना जंगो जदल से भरा हुआ था कि वो ओवरथ्रो हुआ। उसके बाद जेम्स आया, जेम्स बहुत छोटा था, बीमार था, वो जल्दी मर गया। उसके बाद एलिजबेथ आई, एलिजबेथ वॉज श्रूड इनफ, वो बहुत कुछ समझदार थी। उसने क्या कहा कि जिन्हें उसने एटलीस्ट अ काइंड ऑफ ही इशी गेव अ काइंड ऑफ लिबर्टी, जो मर्जी चाहे आप रिलीजन जो है वो फॉलो करते रहे। ऑफिशियल रिलीजन का भी कैथोलिक ही था, ठीक है, लेकिन उसने लोगों को आम इजाज़त दी। क्यों? क्योंकि मैरी ने तो पहले वो लगा दी ना, पाबंदियाँ लगा दी थी, प्रोटेस्टेंट्स के चर्च चलवा दिए थे और जनाब प्रोटेस्टेंट्स जो है वो ये नहीं करेंगे, इबादत ऐसे नहीं करेंगे, बहुत वो। बहरहाल एलिजबेथ ने फॉर अ टाइम बीइंग ये कंट्रोवर्सी होल्ड कर ली, जो कि किसके दरमियान चल रही थी, प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मर्स और कैथोलिक्स के दरमियान। जब एलिजबेथ गई है और उसके बाद आया है जनाब आपके चार्ल्स वन, ठीक है, चार्ल्स वन और चार्ल्स वन के बाद जेम्स वन, ये दोनों के दोनों क्या थे, कट्टर कैथोलिक्स थे और कुछ ढके छुपे कैथोलिक्स थे, जैसे कि चार्ल्स वन, जेम्स वन ओपन अवाउट कैथोलिक था। दोनों ने कैथोलिसिज्म को क्या करने की कोशिश की, रीस्टोर करने की कोशिश की, और रीस्टोर करने में भी इनका प्योर मजहबी मसला नहीं था, फाइनेंशियल मसला था। इनके पार्लियामेंट से लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्यों, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रावेगेंसा थे, पैसे को पानी की तरह खर्च करते थे बहुत ज़्यादा, तो पार्लियामेंट को सेंक्शन करना होता है ना किंग के जो अखराजात हैं, तो वो चाहता था कि ये मुझे हर तरह से सेंक्शन करें, वो करते नहीं थे, प्रोटेस्टेंट्स थे और वैसे भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट चेक एंड बैलेंस रखती होती थी, तो वो पार्लियामेंट डिसॉल्व करते थे, मतलब बहुत कुछ पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर एक इरिटेशन जो है या एक जो लैक ऑफ कह सकते हैं कंटेंटमेंट जो है वो हमें नज़र आई। बाद में फिर अगेन मजहबी कार्ड को यूज़ किया कि जनाब, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वो जो टसल थी बिटवीन द प्योरिटन्स एंड कैथोलिक्स, विच वर फॉर अ टाइम बीइंग वर कन्फाइंड अगेन इराप्टेड, फिर जो है वो बाहर निकल आई और वो इतना उसने ज़ोर पकड़ा कि आफ्टर 1642 आई गेस, नहीं 1642 में तो बिहेड कर दिया था उसे, 1642 से कुछ पहले सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो इंग्लैंड के अंदर, और वो कोई इतनी ज़बरदस्त सिविल वॉर थी कि उन्होंने बादशाहों को कत्ल कर दिया। इन 1642 जेम्स वन वॉज हैंग, ही वॉज बिहेडेड, उसका सर उड़ा दिया। दैट वॉज समथिंग क्वाइट हॉरिबल, इवन प्योरिटन्स डिड नॉट अलाउ, दे कुड नॉट टॉलरेट इट। क्यों? क्योंकि देखिए ना, मोनार्की एक बहुत पुराना सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, उसको आप ऐसे करेंगे तो इट प्रोवोक्ड अ काइंड ऑफ शॉक, पूरी इंग्लिश नेशन शॉक में थी, लेकिन बहरहाल उसको किसी न किसी तरह कंटेन कर लिया गया और फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश हिस्ट्री आर नॉन रॉयल किंग वॉज मेड किंग, ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि प्रोटेस्टेंट्स का जो कि लीड कर रहा था प्रोटेस्टेंट्स को, वो जो है वो किंग बना दिया गया, एंड ही वॉज नॉट अ रॉयल ब्लड, वो रॉयल ब्लड नहीं था, और उसने 11 साल सोलली जो है हुकूमत की। फिर 11 साल बाद रीस्टोरेशन हुई, वो फिर हम थोड़ा और आगे निकल जाएंगे, तो यहाँ तक आप रिफॉर्मेशन को कम अज़ कम देखें, ठीक है, समझ आइए। रिफॉर्मेशन को इतना डिटेल इसलिए नहीं पढ़ाया कि ये चीज़ हम 14 सेंचुरी में पढ़ चुके हैं, वाइकलिफ ने बाइबल जो है वो ट्रांसलेट की है, या ओवरऑल जो जितनी भी वाइकलिफ के अंडर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो सब चीज़ ये सब रिफॉर्मेशन में आई। थैंक यू वेरी मच।